सिंगरौली की बेगा जनजाति को सीएम शिवराज ने दी कैसी सौगात? क्या अति पिछड़ी जनजाति में होगी शामिल? कुछ मांगे मेरे सामने रखी है। एक बात कही गई है बाईपास बनाने की, बाईपास को भी हम स्वीकृत करने का काम करेंगे ताकि भविष्य में यहाँ कोई दिक्कत ना हो। शासकीय महाविद्यालय बरका और सरई में विज्ञान और कॉमर्स के विद्यालय क्लास शुरू करने की बात कही है तो वो क्लासें भी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बरगवा तहसील सरई में से कहीं उपखंड की बात कही तो चर्चा करके हम उसके बारे में फैसला करेंगे। और उन्होंने कुछ सीएम राज स्कूल मांगे, मैं धीरे धीरे माड़ा रजमिलान खुटार सरई में सीएम राज स्कूल दो चरणों में हम देने का काम करेंगे। बाकी जो चीजें आपने मांगी है उसका और परीक्षण करेंगे। कुंवर सिंह जी ने एक बात कही है कि बैगा जनजाति को अति पिछड़ी जनजाति में सिंगरौली जिला में सम्मिलित किया जाए, तो बैगा जनजाति को अति पिछड़ी जनजाति में सिंगरौली जिले में शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने उप तहसील निवास की स्थापना की बात कही है, वो भी खोल दी जाएगी और निवास में महाविद्यालय भी प्रारंभ किया जाएगा। आज हमने संत रविदास जी की यात्रा का प्रारंभ किया है। संत रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिलही सबही को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। वो कहते थे राज ऐसा होना चाहिए जहां सबको भोजन मिले, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई इसका इंतजाम सबके लिए हो, कोई छोटा और कोई बड़ा कोई भी हो, सबको एक समान माना जाए। मेरे लिए गरीब ही भगवान है, जो दीन है दुखी है, जो गरीब है, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, अगर उनकी सेवा कर ली तो समझो भगवान की पूजा हो गई। गरीब से बड़ा भगवान और कोई नहीं है। मैं वन विभाग को और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूं। आज का जो कार्यक्रम है वो गरीब की सेवा का कार्यक्रम है। 15 लाख से ज्यादा भाई और बहनों, मेरे वो भाई बहन जो तेंदू पत्ता तोड़ते हैं, जो बनों पर इकट्ठा करते हैं, मेरे उन सब भाइयों के लिए, मेरी सब बहनों के लिए आज हम उनके पांव में बहनों के चप्पल पहनाएंगे, भाइयों को उनके पांव में जूता पहनाए जाएंगे और मेरी बहनों को साड़ी भेंट की जाएगी। बहनों को साड़ी भेंट का कार्यक्रम है। उसके साथ साथ जब हम जंगल में जाते हैं तो पानी पीने के लिए अच्छी कुप्पी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोल बोल के बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आज पानी की कुप्पी भी बटना शुरू होगी ताकि जंगल में अगर प्यास लगे आए तो अपने पास पीने के पानी की अच्छी कुप्पी रहे और हम प्यास बुझा लें।